हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अवनाथ जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्लास 9 सर्किल चैप्टर से है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्किल है जो कि 20 मीटर का है और पार्क है जो कि एक कॉलोनी में स्टैब्लिश्ड है, एक सिचुएटेड है। ठीक है, थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड ड्रेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन इट बाउंड्रीज। अंकुर, सैयद और द्रविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पर इस सर्किल के कोनों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। और इन सबों के हाथ में एक एक टॉय टेलीफोन्स है जिससे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आपको बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। आपको हर एक फोन की स्ट्रिंग का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। अब यहां पर हमको मालूम है ये 20 मीटर है, तो आपको मालूम है अगर मैं इसके डिस्टेंस को, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, हमको मालूम है कि ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी, आपस में इक्वल हैं। और जब भी ये इक्वल होंगे तो ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है तो अब हम क्या लिखेंगे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अब हम लेट कर लेंगे एक साइड को, तो लेट ए एस इक्वल टू 2x। मैंने क्या किया, ए एक्स को 2x लेट कर लिया, मतलब ये 2x, तो ये भी क्या होगा 2x और ये भी क्या होगा 2x। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख लिया ए एस इज इक्वल टू 2x, तो एस डी और ए डी इज ऑल्सो भी 2x, दोनों 2x हो जाएंगे। अब हमको करना क्या है, इस जो ये लाइन डाली हमने ओ एस इज अ रेडियस, तो हमको मालूम है ओ एस इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ डी विच इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, तो मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया, जो कि इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसमें कंस्ट्रक्ट अ लाइन ए, एम लिख देता हूँ इधर, एम मैं मान लेता हूँ इसको पी, तो एक ए पी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन ए पी विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ साइड एच डी। परपेंडिकुलर काटेगी किस साइड को, एच डी साइड को। अब आपको मालूम है अगर ये परपेंडिकुलर काट रही है, इक्वल काट रही है, तो आपको मालूम है 2x को ब्रेक कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दोनों x हो चुके हैं, ये हमको मिल चुका है। अब आपको मालूम है अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 2x, हम AP के रिलेशन को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल बन गया। कौन सा? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एस और पी। देखिए जरा, ए एस और पी, ये पूरा एक 90 डिग्री एंगल है। अगर ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर। अब ये कितना है, ए एस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है, हमको नहीं मालूम, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी कितना है, एक्स का स्क्वायर। अब देखो, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² - x² इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मालूम है ए पी अंडर रूट आ जाएगा 3x², जो कि हो जाएगा x√3। तो यहाँ से हमको मिल चुका है कि जो ए पी है लेंथ, उसको कितनी आ चुकी है, x√3 आ चुकी है। अब आगे का सॉल्यूशन, इसके आगे हमको मालूम है कि हमें सबसे पहले इस रिलेशन को निकालना है, इस ओपी को, क्योंकि ये तो आपको मालूम है 20 मीटर है बिकॉज ऑफ रेडियस, ये सारी आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस की वजह से, रेडियस है क्योंकि ये, इसलिए आपस में इक्वल है। तो जब ये कर लिया हमने, तो अब हमको ये ओपी डिस्टेंस निकालना है। तो ओपी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है ओपी निकालने के लिए हमको मालूम है एपी में से माइनस कर देंगे किसको, AO को। अब AP कितना है, x√3 - AO कितना है, 20, करेक्ट।
अब इस छोटे वाले ट्राइंगल को हम फाइंड आउट करते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? एस पी ओ। कौन सा? एस पी ओ। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एस पी ओ। अब एस पी ओ में आपको मालूम है 90 के सामने वाला कौन है? एसओ। तो एसओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर। अब एसओ कितना है? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी कितना है? हमने निकाल लिया है एक्स रूट थ्री माइनस 20 का स्क्वायर। इक्वल टू एस पी कितना है? एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, ये आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां से आएगा हमारा 400 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए 2ab में 2 इंटू एक्स रूट थ्री इंटू 20 और प्लस में हमारा एक्स स्क्वायर चल रहा है। ओके, यहां के बाद आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप को आपको कराता हूं। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। अब आपको मालूम है इसको सॉल्व करना है, तो मैंने लिखा 400 इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए एक्स का स्क्वायर है तो मतलब दोनों पर स्क्वायर है, रूट पर भी स्क्वायर है और एक्स पर भी स्क्वायर है। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट से क्या आ जाएगा? 3 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 माइनस 2 और 20 कितना होगा? 40 एक्स रूट 3 और लास्ट में क्या बचेगा? प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब आपको मालूम है 400 से 400 कैंसिल, ये माइनस का 40x इधर आ जाएगा, तो यहां पर हमारा क्या आएगा? प्लस का 40x रूट 3। करेक्ट। x 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। करेक्ट। 4x रूट 3 40 नॉट 4 40x 40x रूट 3 इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखिए ये x से स्क्वायर कैंसिल, ठीक, क्योंकि x नीचे जाएगा, तो बेसिकली x अगर नीचे जाएगा इसके नीचे लगेगा तो x से फिर भी कटना है, तो मैंने यहीं से डायरेक्ट काट दिया इसको स्क्वायर को। अब यहाँ से आ गया 40 रूट 3 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 40 रूट 3 अपॉन 4, कटने के बाद कितना आया? 10। तो यहाँ से आया 10 रूट 3 मीटर। अब ये x आया है लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है? 2x। तो अगर मैं बोलूँ AS निकालना है मुझको तो 2x है, तो 2 इंटू 10 रूट 3 विच इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर, यही हमारा आंसर है। तो बेसिकली जो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है अंकुर से सैयद, सैयद से द्रविड और द्रविड से अंकुर तक की, वो 20 रूट 3 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।